मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करती है, हर वक्त मोबाइल चेक करना, कॉल डिटेल चेक करना, हर वक्त ये पीछे पड़े रहना कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इस तरीके का बिहेवियर करती है जिससे मैं फेड अप हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे डील करूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये जो सवाल है मेरे पास में आया है एक लड़के का। आई एम श्योर ये सवाल सिर्फ इन्हों का नहीं है, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका पार्टनर उनके साथ में इसी तरीके का बिहेव करता है और आपको समझ नहीं आता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और कैसे इसके साथ में डील करना है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माई फ्रेंड, इस तरीके का बिहेवियर होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसमें से कुछ रीज़न्स मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। पहला रीज़न हो सकता है उसको उसके पास्ट में किसी ने धोखा दिया हो, उसकी गर्लफ्रेंड ने या फिर बॉयफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया हो। और एक बात बताइए, जो इंसान धोखा खा चुका है वैसे ही रिश्ते में दोबारा पड़ता है तो क्या वो आप पे इतना ईजिली बिलीव कर पाएगा? माना कि आप ऑनेस्ट हैं लेकिन उसके लिए तो पहले वाला भी ऑनेस्ट था ना, पहले वाला भी अच्छा था लेकिन उसने धोखा दिया, और वही मेंटेलिटी उसको आपके ऊपर बिलीव नहीं करने दे रही है, वो चाहकर भी आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। सो ये रीज़न है उसके इस बिहेवियर के पीछे एक। दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि उस इंसान का फ्रेंड सर्कल या फिर आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा रहा हो जिसके वजह से वो आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा। मीन टू से मान लीजिए आप एक लड़के हैं और आपकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, उन फीमेल फ्रेंड्स के दो तीन बॉयफ्रेंड होते हैं एक ही टाइम पर। आप ये देखते हैं कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं ना वो एक ही टाइम पर दो लड़कों के साथ में घूम रही है, तीन को चला रही है, सबको इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में जब आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो क्या उस पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको भी ये डाउट रहेगा अपनी गर्लफ्रेंड पे कि कहीं आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी उन फीमेल फ्रेंड की तरह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी गर्लफ्रेंड भी एक ही टाइम पर दो तीन लड़कों के साथ में अफेयर चला के घूम रही हो। ऐसा होता है, सबके साथ में होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने आसपास इस तरीके के लोग देखे हैं जो दूसरों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। इसके अलावा तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसने बचपन में कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस ले लिया हो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ हो। उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के वजह से वो इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, वो एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से एक इंसान किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पाता। अब बात आती है आपकी कि इस बिहेवियर के साथ में आपको कैसे डील करना है, क्योंकि इस तरीके का बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत परेशान करने वाला होता है। सो देखिए आपको कुछ काम करने हैं इस जगह। सबसे पहले आप उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यू मत कीजिए। अगर वो आपका मोबाइल बार बार चेक करती हैं, बार बार देखना चाहती हैं आप कहाँ बिजी थे, क्या कर रहे थे, तो देखने दीजिए, इन चीज़ों को माइंड मत कीजिए। मैनी टाइम ऐसा भी होता होगा आपके साथ में कि वो 8 बजे कॉल करती हैं, ये बोलती हैं कि यार मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन रात को 12 बजे आपके पास में उनका कॉल आता है, वो चेक कर रही होती हैं कि यार बंदा मेरे सोने के बाद कहीं और तो बात नहीं करता, ये मेरे साथ में कमिटेड है या नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर बहुत होता होगा, विच आई रियली कैन अंडरस्टैंड। बट यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि कोई भी इंसान किसी के पीछे किस हद तक पड़ सकता है, कितना चेक कर सकता है, 1 बार 10 बार 20 बार 100 बार जितना भी वो आपको चेक करती हैं, आपके पीछे जासूस बनी घूमती हैं, घूमते रहने दीजिए। आप इस पर कोई रिएक्शन मत दीजिए, आप नाराज़ मत होइए, आप चिल्लाइए मत। वो जितना ज़्यादा आपके ऊपर शक करेंगी, जितना ज़्यादा वो गलत प्रूव होंगी, उतना ज़्यादा उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। बट ये चीज़ें स्लोली होंगी, वक्त के साथ में होंगी। जैसे जैसे वो आपकी जासूसी करती हैं वैसे वैसे उनको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हर बार वो गलत प्रूव हो जाती हैं। तो क्या उनका ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा आपके ऊपर? डेफिनेटली बढ़ेगा, वक्त के साथ में बढ़ेगा। लेकिन इस तरीके का बिहेवियर अगर करती हैं तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने की। दूसरा, इस बिहेवियर के ऊपर आप ज़्यादा नाराज ना हो। चिल्लाएंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, आप चिल्लाए ना, आप उनको प्यार से समझा दें जब आपको गुस्सा है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपके ऊपर डाउट करती हैं करने दीजिए, आपका मोबाइल चेक करती हैं करने दीजिए, कभी कभी कॉल करके थोड़ा सा आर्ग्यू करती हैं करने दीजिए, बट
अगर वो कभी भी आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएं, आपसे यू नो बदतमीजी करें, कभी आपसे ये बोलें कि यार मुझे पता है तुम इतनों के साथ में अफेयर में हो, मुझे पता है तुम उसके साथ में अफेयर में हो, इस तरीके से अगर वो गंदा बोलती हैं तो इस चीज़ को बर्दाश्त ना करें। देखिए बिहेवियर में आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आपको शब्दों में भी गंदा बोल रही हैं, आपको कैरेक्टरलेस बता रही हैं, तो वो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर आप स्ट्रिक्टली उनसे बोलिए कि यार तुम्हें अगर बिलीव है मेरे ऊपर तो आप रहो, अगर नहीं बिलीव है तो इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर दो, बट अगर मेरा नाम यू किसी के साथ में जोड़ोगी तो मैं नहीं झेलूंगा, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाओगी तो मैं नहीं झेलूंगा। अगर आप लड़की हैं तो अपने बॉयफ्रेंड से इस चीज़ को क्लियर करें, आप लड़के हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से क्लियर करें। आप किसी का डर समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर डरा हुआ है, बट आप अपने पार्टनर की बदतमीजी नहीं समझें, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो इंसान आज आपकी बेइज्जती करता है तो 4 दिन बाद और गंदा बोलेगा, 4 सालों बाद वो और मिसबिहेव करेगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, जहाँ समझना है वहाँ समझिए, जहाँ नहीं समझना है वहाँ मत समझिए। थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर को दीजिए, आई एम श्योर थोड़ा सा वक्त बीतने के बाद 1-1.5 साल में आपका पार्टनर आप पे अपने आप ही भरोसा करने लगेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी सवाल के ऊपर मैं वीडियो में आंसर दूँ, तो वो सवाल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है diltoxdaily@gmail.com। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।